भाई जी यार, आज मेरे पास है ये एक बड़े से बर्तन के अंदर काफी सारी मक्की दोस्तों, जिससे बनाया जाता है पॉपकॉर्न। आप देख सकते हो दोस्त, इतनी सारी। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब भी पॉपकॉर्न बनाई जाती है, हम किसी कढ़ाई के अंदर या फिर कुकर के अंदर इतना सा का तेल डालते हैं, फिर उसके अंदर कुछ मिर्च मसाला डालते हैं और फिर थोड़ी सी ही उसके अंदर कुछ ही दाने मक्की के डालते हैं, फिर उसमें बनते हैं पॉपकॉर्न दोस्तों। तो गाइज यही प्रक्रिया होती है पॉपकॉर्न बनाने की, यानी कि थोड़े से तेल के अंदर थोड़ी सी मक्की डालते हैं तब उसमें पॉपकॉर्न बनते हैं। बट दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्राई करने वाले हैं ये इतनी सारी जो हमारी पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न बनाने वाली जो मक्की है, उसे एक साथ डालने वाले हैं काफ़ी सारे तेल के अंदर और एक कढ़ाई के अंदर। यार हाँ दोस्तों, एक कढ़ाई के अंदर एक साथ में डालेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक साथ इतनी सारी मक्की डालने पर क्या पॉपकॉर्न बन सकते हैं। तो गाइज आप जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक मैं तैयारी करता हूँ। तो गाइज यार, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेटअप तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमारी एक गैस की टंकी रखी हुई है दोस्तों, और यहाँ से पाइप आकर यहाँ पर हमने एक रख रखा है गैस का चूल्हा, और इसके ऊपर है एक कढ़ाई, और कढ़ाई के दोस्तों है हमारे पास ये दो पैकिंग रिफाइंड ऑयल की दोस्तों। ये 2 लीटर रिफाइंड है, इसके अंदर हम डालेंगे एक साथ हमारा ये जो बर्तन था मक्की से भरा हुआ, हम इसे मक्की बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे, इतनी सारी मक्की को हम एक साथ इसके अंदर डालेंगे इतने ऑयल के अंदर, और देखेंगे कि इसके अंदर पॉपकॉर्न बनेंगे या नहीं। ये कैंची है मेरे पास और मैं ऑयल को दोस्तों जल्दी से पैकिंग को खोल कर इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी 1 लीटर ऑयल दोस्तों इसके अंदर चला गया है। ये रहा गाइस 1 लीटर ऑयल, और मुझे लग रहा है कि ये ऑयल अभी कम है, तो हम एक थैली दोस्तों इसके अंदर और डालेंगे। गाइस ये रही हमारी दूसरी पैकिंग। तो गाइस यार, आप देख सकते हो कि हमारे पास इतना सारा ऑयल एक साथ इकट्ठा हो गया है। इस ऑयल को हम जल्दी से करते हैं गर्म, और फिर इसमें डालेंगे हमारी मक्की और देखते हैं इतने सारे पॉपकॉर्न बनते हैं। जल्दी से मैं कर लेता हूँ इसे ऑन। तो ये रही मेरे पास माचिस, और गाइज मैं सिलेंडर को, तो गाइज गैस हमारा ऑन है, बट धूप की वजह से इसमें जलती हुई फ्लेम दिखाई नहीं दे रही, तो इसके ऊपर मैं इस कढ़ाई को रख देता हूँ। दोस्तों अभी हम वेट करते हैं हमारे ऑयल के गर्म होने का, यानी जब ऑयल बॉयल होगा तब हम इसके अंदर एक साथ पूरी पूरी मक्की डालेंगे। चलिए वेट करते हैं और जल्दी से गर्म हो जाने के बाद आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा ऑयल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, और मैंने दोस्तों यहाँ पे औजार ले लिया है, ये एक छोटी सी झरड़ी है जिससे हम पॉपकॉर्न को निकालेंगे बाहर, और बाहर निकालने के बाद दोस्तों हम डालेंगे इसे इस बर्तन के अंदर। तो इसलिए मैंने 2 ये थाली ले ली है। पॉपकॉर्न जैसे ही बनकर बाहर निकले, निकलने के बाद हम उसे निकाल कर इन बर्तन के अंदर डाल सकें। तो अभी हमारा ऑयल पूरी तरह से गर्म है, और हम इसके अंदर एक साथ इन सभी मक्खियों को डालने वाले हैं। तो गाइज यार, इस प्रकार से मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। मैंने जहाँ भी देखा है थोड़ी सी मक्की डालते हैं और थोड़ा सा ऑयल होता है, मैंने काफ़ी सारा ऑयल लिया और काफ़ी सारी दोस्तों यहाँ पर मक्की ली है। तो चलिए इसके अंदर डालते हैं और देखते हैं कि क्या इनका बनेगा। तो ये देखिए गाइज यार, तो गाइज ये हमारा ऑयल बाउल हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए यार, हमारे पॉपकॉर्न बनकर बाहर आ रहे हैं। ये देखिए यार गाइस, बबल्स आ रहे हैं साइड में, ऑयल के थोड़े थोड़े छींटे भी पड़ रहे हैं। तो गाइस यार, इतने सारे ऑयल के अंदर एक साथ मक्की डालने के बाद इसमें पॉपकॉर्न बन जाते हैं यार। तो गाइस कितने शानदार लग रहे हैं यार, ये देखिए फ्रेंड्स। जैसे जैसे इसके अंदर मक्की हीट हो रही है, वैसे वैसे पॉपकॉर्न बनकर बाहर आ रहे हैं, और मैं अभी बाहर नहीं निकालूंगा, देखते हैं कि कितने सारे बनते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी बनते ही जा रहे हैं इसके अंदर। गाइज आपको आवाज़ अच्छे सुनाई दे रही होगी, जिस प्रकार से पॉपकॉर्न बनते हैं, तो मक्की जैसे फूट रही है वैसे इसमें से आवाज़ भी आ रही है और धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। तो गाइज यार, आप देख सकते हो कि कढ़ाई हमारी इतनी ऊपर आ चुकी है, फिर भी अभी तक इसमें पॉपकॉर्न बनते ही जा रहे हैं, यानी कि मक्की इसके अंदर अभी दोस्तों बची हुई है, जिससे हमारे पॉपकॉर्न कंटिन्यू बन रहे हैं। तो गाइज चलिए इन्हें टेस्ट करके देखते हैं कि एक नॉर्मल हम पॉपकॉर्न बनाते हैं और एक इतने सारे ऑयल के अंदर पॉपकॉर्न बनाए, दोनों का टेस्ट सेम है या फिर अलग है। तो मैं इसमें से एक उठाऊंगा, थोड़ा से गर्म है, और इसे टेस्ट करके देखता हूं मैं। तो गाइज
ये नॉर्मल पॉपकॉर्न की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक इसमें कुछ भी नमक मिर्च मसाला नहीं है, फीका है। और दूसरी दोस्तों इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें थोड़ी थोड़ी ऑयल सा मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा ऑयल है ना, ऑयल के अंदर ये हमारी जो मक्खी डूबी हुई है, तो पॉपकॉर्न जैसे बाहर निकलता है तो उसके अंदर ऑयल रहता है। तो दोस्तों इसकी वजह से जैसे हम इसे खाते हैं तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से कि ऑयल में डूबा हुआ पॉपकॉर्न खा रही है, तो ऑयली सा लग रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, और नॉर्मल पॉपकॉर्न की तरह ही दोस्तों पॉपकॉर्न है ही। और अभी भी बनते जा रहे हैं और कढ़ाई आप देखिए कितनी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, नागरिक। तो गाइज आप देख सकते हो कि कढ़ाई से बाहर निकलने को तैयार होगी। तो गाइज मैंने इसमें से अभी तक बाहर कुछ भी नहीं निकाला और आप देखोगे कि कढ़ाई हमारी कितनी ऊपर आ चुकी है, और तेल जो था हमारी कढ़ाई के आधे तक था, यानी हाफ कढ़ाई ही इसके अंदर ऑयल था, और बाकी पॉपकॉर्न इतने बाहर आ चुके हैं और अभी बाहर भी गिरने लग गए हैं। यार आप देखिए कितने सारे पॉपकॉर्न दोस्तों बन चुके हैं और अभी भी बनते ही जा रहे हैं, ये नहीं है कि पॉपकॉर्न बन गए हैं, नहीं अभी बनते जा रहे हैं, अभी इसके अंदर मक्की जो थी हमारी वो पेंडिंग पड़ी हुई है यार। तो गाइस देखिए यार हमारी आज की वीडियो यार सक्सेस हो गई, मैंने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से बनेगा, मैंने सोचा कि ऑयल ज़्यादा ऑयल के अंदर अगर हम एक साथ हम मक्की डालेंगे तो अंदर डूब जाएगी, उसकी वजह से पॉपकॉर्न नहीं बनेगी, पूरी पूरी मक्की ख़राब हो जाएगी, बट दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, अभी पॉपकॉर्न बनते जा रहे हैं और बाहर भी बिखरने लग गई हैं, यानी इस कढ़ाई से इतने ज़्यादा बन गए कि कढ़ाई के अंदर पूरे नहीं आ रहे हैं। दोस्तों आपको दिख रहे होंगे कि हमारी कढ़ाई का साइज और दूसरा इसके ऊपर पॉपकॉर्न के साइज और कितने बाहर गिर रहे हैं। यार वास्तव में यार मुझे तो इस वीडियो को बनाने में मज़ा आ गया, बट दोस्तों असली मज़ा तब आएगा जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। यार तो बहुत सारी वीडियो बना रहे हैं यार, कुछ वीडियो में आप लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, बट यार काफ़ी सारी वीडियो ऐसी है जिसमें आपका प्यार मुझे नहीं मिल रहा, व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ यार आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, ये जो कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, प्लीज़ उसका फल मुझे दीजिए। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितनी ज़्यादा शेयर होगी उतने ज़्यादा व्यू आएंगे, जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं भी उतनी ही अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस अभी भी हमारी इस कढ़ाई के अंदर आप देखोगे कि पॉपकॉर्न बनते ही जा रहे हैं, बट अभी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, यानी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर मक्की जो हमने डाली थी पॉपकॉर्न बनने वाली वो लगभग बन चुकी है और थोड़ी बहुत ही इसके अंदर रही है। तो गाइस यार अभी कंप्लीट हो चुकी है, अभी इसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं इस गैस को कर देता हूँ ऑफ, तो हमारा गैस हो गया ऑफ, हमारे पॉपकॉर्न भी दोस्तों पूरी तरह से बन चुके हैं। बट आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलते हैं दोस्तों कि इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।